डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 157 पे हैं और टाइटल है, हेडिंग है जो हम करने जा रहे हैं, हुज जग होल्ड्स मोर, कि किसका जग, किसके जग में पानी ज़्यादा आएगा या किसके जग में कोई भी चीज़ ज़्यादा आएगी, लिक्विड चीज़। ठीक है, जग में हम ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें डालते हैं और वाटर की बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे हम वाटर डाल रहे हैं कि किसके जग में ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, अब व्हाट आर नईमा एंड जीतू डूइंग। ठीक है, अब देख लो, पहले पिक्चर्स दे रखी हैं, एक लड़की दे रखी है, ये नईमा है, और एक लड़का है जिसका नाम जीतू है। ठीक है, दोनों ही अपने अपने जग्स में पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, फिर से देखो, व्हाट आर नईमा एंड जीतू डूइंग, क्या कर रहे हैं। हम लिखेंगे इसका आंसर, लिख सकते हैं नईमा एंड जीतू, नईमा एंड जीतू पोरिंग वाटर, पोरिंग PORING, पोरिंग वाटर। ये आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में कैसे मैं बता देती हूँ, पहले ये क्वेश्चन लिख देंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ये वाली ब्लैक वाली। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर नईमा एंड जीतू डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, फिर आंसर लिखेंगे आप, क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं नईमा एंड जीतू पोरिंग वाटर इंटू देयर TEIR, देयर मतलब अपने जग्स में, इंटू देयर जग्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब अपने में, वो अपने में डाला तो वो अपने में, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, रिस्पेक्टिवली लिखना चाहें तो लिख दो, रिस्पेक्टिवली नहीं तो जग्स तक भी ठीक है। नईमा एंड जीतू पोरिंग वाटर इंटू देयर जग्स रिस्पेक्टिवली, मतलब अपने अपने जग में वो, रिस्पेक्टिवली मतलब अपने अपने जग में वो पानी डाल रहे हैं, पोरिंग मतलब डालना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, इफ नईमा पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग, इट लुक्स लाइक। ठीक है, अब देखो, उसने जब एक गिलास पानी डाला तो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो, अब नईमा थिंक्स सी विल हैव टू पोर अराउंड 3 glasses ऑफ वाटर टू फिल द जग। व्हाट डू यू थिंक, कि नईमा सोच रही है कि उसको 3 glass पानी और डालना पड़ेगा इस जग को भरने के लिए। ठीक है, यस सी इज़ राइट, ये सही सोच रही है वो, क्योंकि उसको 3 glass पानी और डालना पड़ेगा इसको भरने के लिए। ठीक है, वैसे अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ तक दिखाना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा सही नहीं दिखाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था ये, और 3 glass और पानी उसको डालना पड़ेगा। यस, तो हम क्या लिखेंगे, यस नईमा इज राइट, राइट मतलब ठीक है, सी हैज़ टू पोर थ्री मोर ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग। ठीक है, सी हैज़ टू पोर थ्री मोर ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल जग, टू फिल हर जग। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इफ जीतू पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग, इट लुक लाइक दिस। अब इसने एक ग्लास पानी डाला है तो इसको कितना और पानी डालना पड़ेगा, ये कह रहा है। ठीक है, कितना और डालना पड़ेगा, इसको 4 glass और पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखो, इफ जीतू पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन जग, इट लुक लाइक दिस। अभी तो बता रहा है कि ये ऐसा लगेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है हुज जग होल्ड्स मोर वाटर, अब किसका पानी, किसके जग में पानी ज़्यादा आएगा। देख ही सकते हैं आप पिक्चर में कि जो नईमा का जग है वो छोटा है और जीतू का जग बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा तो हम क्या लिखेंगे, जीतूज जग होल्ड्स मोर वाटर, है ना,
जीतू का जग पानी, जीतू के जग में पानी ज्यादा आएगा, होल्स मोर वाटर, ठीक है, होल्स मोर वाटर. अब हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग, कितना ग्लास पानी और उसको डालना पड़ेगा, ठीक है. तो जीतू शुड पोर 4 ग्लासेस ऑफ वाटर मोर टू फिल हिज जग, ठीक है. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, सिंपली ये लिख देंगे. या फिर पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जीतू शुड पोर 4 ग्लासेस ऑफ वाटर मोर टू फिल हिज जग, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. जैसे मैं बोल रही हूँ कॉपी में लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो कॉपी में लिख लेना. इफ़ जीतू पोर्स 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर, ये सारा कॉपी में करते जाना है, ऐसे कैसे जैसे हम लिखे हैं सारा लिख लेना है कॉपी में, हेडिंग डाल के हुज जग होल्ड्स मोर, ठीक है. इफ जीतू पोर्स 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर ही जग विल बी राउंड डैश फुल, अगर 1 ग्लास और पानी डाल दे वो तो उसका जग कितना हो जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा, हाफ फुल. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाफ फुल, हाफ फुल हो जाएगा ना, क्योंकि 1 गिलास पानी और डालने से ही आधा हो जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. फिलिंग पॉट्स, अब देखो फिलिंग पॉट्स हेडिंग है. अब नशीम एंड अब्दुल हैव टू फिल देयर पॉट्स ईच विद वाटर, ठीक है, कि जो नशीम और अब्दुल है वो अपने पॉट्स भर रहे हैं पानी से. बोथ पोर्ट्स पर इक्वली बिग एंड हैवी, दोनों ही पोर्ट्स एक जितने ही बड़े और हैवी हैं, भारी हैं, एक जितना साइज है, मतलब कहने का मतलब. सो दे वेंट टू टैप अगेन एंड अगेन, इसलिए वो टैप पे बार बार जाते हैं. फिल देयर ऑन बॉटल्स, अपनी खुद की बॉटल भरते हैं, एंड पोर्ड वाटर इनटू द पोर्ट्स, और पानी को पोर्ट्स में डालते हैं, ठीक है. देखो ये टैप से पानी भर रहे हैं, अपनी बॉटल्स हैं इनके पास, ठीक है. अब नसीम की बॉटल देखो छोटी है, लेकिन अब्दुल की बड़ी है, ठीक है, डबल है लगभग ऐसा लग रहा है. तो ये डाल रहे हैं बारी बारी से पानी को. तो देखो अब नसीम हैड टू फिल हर बोटल, नसीम, अब देखो क्या कह रहा है, नसीम हैड टू फिल हर बोटल 16 टाइम्स फ्रॉम द टैप, कि जो नसीम है उसको अपनी बोटल 16 बार भरनी पड़ी टैप से. मतलब क्या, मटके में 16 बोटल्स आई, ठीक है. नसीम ने जो बोटल भर भर के डाली वो उसने 16 बोटल्स मटके में डाली, बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बोटल ओनली 8 टाइम्स, लेकिन जो अब्दुल है उसको अपनी 8 बार ही भरनी पड़ी, 8 टाइम्स, यानी कि देखो डबल, ये 8 to the 16 होता है ना, 8 to the 16 होता है ना, तो यानी कि देखो इसकी बड़ी बोतल थी तो इसको कम भरना पड़ा ना, हाफ टाइम भरना पड़ा इसको, 8 टाइम्स भरना पड़ा, और इसको 16 टाइम्स भरना पड़ा, है ना. तो डबल भरना पड़ा नसीम को, और अब्दुल को 8 टाइम्स भरना पड़ा, क्योंकि उसका उसकी बोतल बड़ी थी, दुगनी थी ऑलरेडी, तो उसको कम भरनी पड़ेगी. जिसकी बोतल बड़ी होगी उसमें ज़्यादा पानी आएगा ना, तो उसको कम भरनी पड़ेगी, ठीक है. उसको उसने 8 बोतल डाली मटके में, उसने 16 बोतल डाली, लेकिन मटके दोनों भर गए और बराबर थे मटके. और इसका मतलब क्या हुआ कि जो नसीम की बोतल थी वो छोटी थी और अब्दुल की बड़ी थी, हाफ थी वो उसकी, अब्दुल की बोतल का, उसकी बोतल, नसीम की बोतल. वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल, नसीम को मतलब ज़्यादा क्यों बार, ज़्यादा बार क्यों भरना पड़ा अब्दुल की बजाय, ठीक है, क्यों भरना पड़ा, क्योंकि बिकॉज हर बोतल इज स्मॉलर. तो आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज हर बोतल, हर बोतल, यहाँ लिख लेते हैं, हर बोतल इज स्मॉलर देन, स्मॉलर इन साइज लिख लेते हैं, देन अब्दुल, क्योंकि उसकी बोतल साइज में अब्दुल की बोतल से छोटी थी, ठीक है. अब नसीम्स बोतल कैन होल्ड डैश एज मच वाटर एज अब्दुल्स बोतल, ठीक है. अब जो नसीम की बोतल थी वो कितना पानी भर सक, कितना पानी उसमें आता था अब्दुल की बोतल की बजाय, हाफ, हाफ आएगा इसमें, हाफ टाइम, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अच्छा ये हो गया हमारा, हाउ मैनी ग्लासेस, अब नेक्स्ट हेडिंग है. अब दो पोर्ट दिए हुए हैं, एक बड़ा पोर्ट है एक छोटा पोर्ट है. देखो इस पे ए लिखा हुआ है और इस पे बी लिखा हुआ है, ठीक है. एक पोर्ट ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और एक ग्लास दे रखा है.
अब कहता है कि पोर्ट बी, जो पोर्ट बी है, होल्ड्स 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें 11 ग्लास पानी आता है। पोर्ट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पोर्ट बी। ट्वाइस का मतलब दुगना, ठीक है, दुगना मतलब डबल, यानी कि अगर पोर्ट, ये कह रहा है पोर्ट ए जो है ना उसमें दुगना पानी आता है एज मच वाटर एज पोर्ट बी, कि जितना बी में आता है ना उसका दुगना ए में आता है, ठीक है, दुगना मतलब डबल, तो यानी कि उसमें 11 आता है तो उसमें, इसमें 11 आता है, इसमें 22 ग्लास फुल ऑफ वाटर आएगा। हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पोर्ट ए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कितने ग्लास फुल वाटर चाहिएगा पोर्ट ए को भरने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो दुगना है उससे, ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22, तो 22 ग्लासेस आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग पिट होल्स, पोर्ट होल्स, ठीक है, पोर्ट होल्स क्या होते हैं, गड्ढे, जैसे बारिश के दिनों में रोड्स पे गड्ढे हो जाते हैं ना, वैसे हैं। दिस इज ए स्मॉल टाउन नियर कोहिमा, ये एक छोटा सा शहर है कोहिमा के पास। देर आर सम पोर्ट होल्स इन द रोड, यहाँ पर कुछ पोर्ट होल्स हैं रोड के ऊपर। बिफोर द रेन्स कम, रेन आने से पहले, चिल्ड्रन वॉन्ट टू फिल द होल्स, जो बच्चे हैं वो होल्स को भरना चाहते हैं विद पेबल्स, पेबल्स के साथ मतलब स्टोन्स के साथ। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज, वो सभी मतलब 3 बच्चे हैं, मतलब बच्चे हैं ये नहीं बता रखा कितने हैं, वो मतलब मग लेकर आए हैं सेम साइज के, ठीक है, सेम साइज के मग्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है, पहले पिक्चर देख लो, गड्ढे कहाँ कहाँ पे, ये देख लो, ये स्टोन्स हैं इनके पास, ठीक है, जो भरने, इनको 3 गड्ढे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, लेकिन वो देगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा, वैसे देखने से भी पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है और ये बीच का है, ठीक है। अब देखो लेकिन हमें यहाँ लिख रहा है जो उससे भी हमें पता चल रहा है, ठीक है, क्या लिख रहा है देखो, क्वेश्चन क्या है, होल ए गैट्स फिल्ड विद 9 मग्स ऑफ बेबल्स। अब हाँ, इसने मार्क नहीं कर रखा कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, ठीक है, अब लेकिन हमें पता लगाना है। देखो होल ए जो है उसमें 9 मग्स ऑफ पेबल्स आते हैं, ठीक है, होल बी गैट्स फिल्ड विद 18 मग्स ऑफ पेबल्स, जो होल बी है वो 18 मग से, स्टोन के 18 मग से भर जाएगा, ठीक है, भर सकता है। होल सी गैट्स फिल्ड विद 12 मग्स ऑफ पेबल्स, जो होल सी है उसमें 12 मग हमें डालने पड़ेंगे स्टोन्स के, तो सबसे कम इसमें है, फिर सबसे ज़्यादा इसमें और सब बीच वाले में ये हैं, यानी कि ए जो सबसे छोटा है, बी सबसे बड़ा है और सी मीडियम साइज का है, यानी कि देखा जाए तो कैसे हैं हमारे, ये ए है क्योंकि इसमें सबसे कम थे, ए है ये वाला, और ये बी है, ठीक है, और सबसे नीचे सी है, ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, नेक्स्ट यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर, कि ए बी सी मार्क करो जो राइट होल है पिक्चर में, ठीक है, मार्क कर दिया हमने। विच इज द बिगेस्ट पोर्ट होल, सबसे बड़ा कौन सा है, बी है सबसे बड़ा, पोर्ट होल बी इज लार्जर, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ जग्स आर यूज्ड, अभी तो इन्होंने क्या लिए थे, मग्स लिए थे ना, इफ जग्स आर यूज्ड होल ए गेट्स फिल्ड विद 5 जग्स, अगर जो ए है वो 5 जग से भर जाता है, ये कह रहा है अगर जग लेता है तो, हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी, ठीक है, होल बी को भरने में कितने जग्स लगाने पड़ेंगे। अब देखो जो ए है उसमें 5 लग रहे हैं, है ना, तो बी जो है वो दुगना है उसका, क्यों दुगना है, देखो उसमें शुरू में उसने बताया था कि जो इसमें अगर 9 आ रहे हैं मार्क्स, उसमें 18 आ रहे हैं, 9 2 जा 18 डबल है ना, दुगना है ना, क्योंकि उसमें 9 आ रहे हैं तो उसमें 18 आ रहे हैं, दुगना है। तो अगर यहाँ पे बात कर रहा है जग्स की, अब यहाँ पे बता रहा है कि 5 आ रहे हैं, ठीक है, ए में, तो बी में कितने आएंगे, उसका दुगना आएंगे, यानी कि 5 क्रॉस 2, 5 2 जा 10, 10 जग्स आएंगे, ठीक है, यानी कि देयरफॉर 10 जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड
टू फिल होल बी, हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर टेन जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी. क्वेश्चन में ही है ये सारा पूछा था ना, हाउ मेनी जग्स. तो वैसे हमने हाउ मेनी की जगह क्या लिखा है, टेन जग्स लिखा है. ठीक है, टेन जग्स ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल होल बी, यही लिखा सेम. तो इस तरह से ये चैप्टर आई थिंक खत्म हो गया, फिनिश हो गया. ओके, दिस चैप्टर इज डन ऑन इन दिस बुक. ठीक है, फिनिश हो गया इस बुक का. इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. हैव ए नाइस डे.